हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने बच्चे के लिए एक बायजूस का कोर्स लिया था और इसमें ये टैबलेट आई थी। एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूं कि बायजूस में दो तीन प्रकार की टैबलेट्स आती हैं, वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें आपका सैमसंग का टैबलेट हो गया, उसके बाद आपका लेनोवो और भी रहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए आप बोल सकते हैं उनसे और उसके हिसाब से आप टैबलेट ले सकते हैं। तो मुझे जो टैबलेट मिली है वो है ये लेनोवो की, लेनोवो टैब M10 HD। और ये टैबलेट है, इसका प्राइस है वो लगभग 13,000 रुपये कीमत की ये टैबलेट है। और इस टैबलेट में आप देख पाएंगे कि इसमें आपको जो है मेटल डिज़ाइन दी गई है और पावरफुल ऑक्टा कोर चिप, डुअल स्पीकर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं अगर बात करें स्टोरेज की तो इसमें 4 GB रैम दी गई है और 64 GB इसमें स्टोरेज दी गई है। वहीं CPU की बात करें तो आप देख पा रहे हैं CPU मीडिया टेक हेलियो P22T टैब दिया गया है। डिस्प्ले इसकी 25 यानी कि आप देख पाएंगे 1280x800 IPS की दी गई है। 10 इंच की इसकी स्क्रीन है और इसकी जो बैटरी आप देख पाएंगे 5100 mAh की है। इसके अलावा ये इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है इसका एंड्रॉयड 10 पर ही काम करती है। अगर इसके बारे में इसका अगर ओवरव्यू देखूं इस टैबलेट को अगर, तो यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ आपका वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का यहाँ दिया गया है। यहाँ आपका एक स्पीकर मिल जाएगा और यहाँ आपका एक स्पीकर दिया गया है। तो स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने यूज़ करके देखा है। यहाँ आपको ऑडियो जैक दिया गया है और यहाँ आप देखेंगे पावर ऑन ऑफ ये बटन दी गई है। ये सिम दी गई है यहाँ सिम, और आप जो मेमोरी कार्ड है उसे आप यहाँ से डाल सकते हैं। और बाकी आपको यहाँ आपको देखेंगे ये आपको अलग से कोई थर्ड पार्टी कुछ यूज करना चाहते हैं एक्सेसरीज, तो इसके लिए आपको यहाँ दिया गया है ये। तो ये कुल मिलाकर के इस तरीके की ये टैबलेट है और ये मेटल बॉडी है आप देखेंगे। और अगर इसकी बात करें स्क्रीन की तो ये स्क्रीन आप जैसे कि मैंने बताया कि ये 10 इंची स्क्रीन है। और कैमरा आपको फ्रंट कैमरा यहाँ दिया गया है और यहाँ आप देख पाएंगे पीछे ये आपको बैक कैमरा दिया गया है। अगर इसके अंदर बात देखें तो ओवरऑल कैमरा की जो क्वालिटी है आप जान ही रहे हैं कि इसमें जो है कैमरा दिया गया है वो है आपका ठीक ही है क्वालिटी कैमरा की, ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो कैमरा की क्वालिटी ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। बट टैबलेट पर मुझे या बच्चों को पढ़ाई करनी है या फिर कुछ ऐसे काम करने होते हैं तो उसके हिसाब से ओवरऑल अच्छा है। अगर इसके अंदर आप चलें तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ बायजूस की आपको सारे एप्लीकेशन दिए गए हैं। और अगर इसके सेटिंग में जाएं और देखें तो सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ थोड़ा यहाँ देख पाएंगे लेनोवो टैब M10 HD यहाँ दिया गया है। लैंग्वेज वगैरह आप देख पाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम M10 आप देख पाएंगे, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इसका दिया गया है। और इसके अगर डिटेल में देखना है तो आप यहाँ जाएं इस पर, और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ मॉडल नंबर दिया गया है, सिम स्टेटस अभी सिम डली नहीं है, IMEI नंबर दिया गया है, ठीक है कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो वो दिया गया है, ब्लूटूथ एड्रेस और भी हाँ सॉफ्टवेयर वर्जन, रैम इसका हम देख पाएंगे 4 GB रैम दी गई है। और इसके अलावा रोम आपका 64 GB CPU मीडिया टेक P22T इसको 2.3 GHz का दिया गया है। डिस्प्ले आप देख पाएंगे 1280x800 MP फ्रंट कैमरा। तो यहाँ आपकी पूरी सारी डिटेल्स दी गई हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो टैबलेट ठीक ठाक है, अच्छी टैबलेट है और इसे
अगर 13,000 में मिलती है तो इसे ख़राब नहीं कह सकते हैं। यूज़ करने पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है ये टैबलेट। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो बायजूस से इस टैबलेट को भी ले सकते हैं। ये लेनोवो की टैबलेट है, काफ़ी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी टैबलेट के अंदर के जो फीचर्स हैं उनके बारे में कुछ और जानकारी देखेंगे, समझेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। क्या?